हेलो एवरीवन, अगर आपसे पूछा जाए कि 4600 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा तो आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये माइनस साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये जो चार्ज है वो -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। उसी तरह अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये जो साइन है वो प्लस हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो 4600 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा? तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है -7.369 × 10⁻¹⁶ कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह 4600 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज हो जाएगा -7.369 × 10⁻¹⁶ कूलम। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।